ग्रीटिंग्स ऑफ द डे दिस इज सीमा मेहंदीरता योर ईवीएस टीचर ऑफ क्लास सेकंड फ्रॉम बाल भारती विद्यापीठ गोहाना टुडे वी विल कंटिन्यू विद यूनिट वन दैट इज ह्यूमन बॉडी एंड सेफ्टी इन आर प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स एंड दियर फंक्शंस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू टॉपिक टेकिंग केयर ऑफ आर बॉडी टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी मीन्स की शरीर की देखभाल करना शरीर की देखभाल करने से हम फिट और हेल्दी रहेंगे means स्वस्थ रहेंगे आर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज एज वेल एज रेस्ट हमारे शरीर को एक्सरसाइज के साथ साथ आराम की भी जरूरत है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आर बॉडी पार्ट्स हम अपने शरीर के अंगों की देखभाल कैसे कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ आर बॉडी पार्ट्स वी कांट लिव एंड आर बॉडी पार्ट्स विल नॉट वर्क वेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें शरीर को साफ रखना चाहिए हमें शरीर के अंगों की देखभाल करना जरूरी है यदि हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे और हमारे शरीर के अंग भी अच्छे से काम नहीं करेंगे सो वी नीड टू फॉलो सम हेल्दी हैबिट्स एवरीडे टू प्रोटेक्ट आर बॉडी पार्ट्स इसीलिए हमें अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ अच्छी आदतों का पालन करने की आवश्यकता होती है जरूरत पड़ती है पास्तिस? वी शुड टेक बाथ एवरी डे टू कीप बॉडी क्लीन एंड सेफ फ्रॉम जम्स शरीर को साफ और कीटाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए हमें हर रोज नहाना चाहिए वी शुड वॉश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए दिस विल प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग यह हमें बीमार पड़ने से बचाता है वी शुड टेक एक्सरसाइज लाइक रन जम्प स्किप ड एंड होप एवरी डे इन द ओपन फ्रेश एयर हमें हर रोज खुली ताजी हवा में एक्सरसाइज करनी चाहिए वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स एवरी डे हमें हर रोज आउटडोर गेम्स मीन्स बाहर खेले जाने वाले खेल हमें हर रोज खेलने चाहिए आउटडोर गेम्स की पस फिट बाहर खेले जाने वाले खेल हमें फिट रखते हैं दे मेक अलर्ट ये हमें सतर्क रखते हैं दिस विल कीप आर लंग्स मसल्स बोन्स एंड हार्ट हेल्दी यह हमारे फेफड़ों को मांसपेशियों को हड्डियों को और दिल को स्वस्थ रखता है वी शुड ऑलवेज ब्रीद इन थ्रू द नोज हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए नेवर ब्रीद इन थ्रू द माउथ हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए

सीधे खड़े रहना चाहिए और सीधे चलना चाहिए दीज थिंग ऑल्सो बॉडी पार्ट्स को फिट रखती हैं। ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखेंगे शुड ईट बैलेंस्ड फूड इन ऑल आर मील्स सो दैट ऑल आर बॉडी पार्ट्स स्टे हेल्दी हमें अपने सभी खाने के साथ संतुलित भोजन खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर के सभी पार्ट्स सभी अंग सुरक्षित रह सके सेवेंथ वी शुड ड्रिंक सेवन टू एट ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे फोर आवर्स स्टमक टू स्टे क्लीन पेट को साफ रखने के लिए हमें हर रोज सात से आठ ग्लास तक पानी पीना चाहिए एट्थ आफ्टर मैनी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे द बॉडी नीड्स रेस्ट एट नाइट कई काम करने के बाद रात को हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है वी शुड गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए वैन वी स्लीप आर बॉडी गेट्स कम्प्लीट रेस्ट जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा शरीर आराम करता है वी रिमेन फ्रेश एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द फॉलोइंग डे हम पूरा दिन ताजगी और ऊर्जावान बने रहते हैं रिमेंबर द थिंग्स दैट कीप अस फिट एंड हेल्दी फर्स्ट रेगुलर एक्सरसाइज सेकेंड आउटडोर गेम्स थर्ड गुड पोस्चर फोर्थ

हर दिन भगवान के प्रति धन्यवाद दिखाने का यह एक आसान तरीका है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय एवरी